चेस बोर्ड द्वारा मानसिक रोगों का उपचार कैसे होता है आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चेस बोर्ड द्वारा कैसे होता है एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि दो टीमें हैं, दो इंसान हैं जो चेस खेल रहे हैं। एक जब चाल चलता है, ए चाल चलता है, तो बी की चाल पर उसका असर पड़ता है। ए अगर चाल चलता है, अगर वो जीत रहा होता है तो वो खुशी महसूस करता है, और दूसरा बी है वो दुख महसूस करता है क्योंकि वो हार रहा है। जब बी जीत रहा होता है तो बी खुशी से झूम रहा होता है और ए दुखी महसूस कर रहा होता है। अगर हम जीवन को इस खेल की तरह समझते रहेंगे कि हम एक टीम है दूसरा अलग टीम है, तो हम जीवन में हताश हैरान परेशान होते ही रहेंगे, क्योंकि हम ना तो हमेशा जीत पाएंगे ना हमेशा हार पाएंगे। ये इमोशन के हचगोले तो आते ही रहेंगे, तो इनसे बाहर हो जाने का सीधा सा मतलब और सीधा सा टिप्स क्या है? वो टिप्स ये है कि हम अपने आप को ना ए टीम समझें ना बी टीम समझें, हम अपने आप को चेस बोर्ड समझें, हम खेल समझ लें अपने आप को। तो खेल ना तो कभी हारता ना जीतता, बस टीमें हारती और जीतती हैं। अगर चेस बोर्ड ही परेशान होने लग जाए तो क्या बनेगा जीवन में, क्योंकि चेस बोर्ड तो कभी परेशान होता ही नहीं है। उसमें कितने ही खेलने वाले आए और चले गए, कितने जीते कितने हारे, उसे कोई फर्क पड़ा कभी नहीं पड़ा। इसी प्रकार अपने आप को सिर्फ एक खेल समझना है कि जिंदगी को जीना है, जिंदगी एक खेल है और हमें खेलते जाना है, बस इस खेल का आनंद लीजिए। ना तो मानसिक रोग हैं ना कोई और रोग हैं, बस जीवन बचता है, जिंदगी बचती है। इमोशन आते जाते रहेंगे, दुख आते जाते रहेंगे, विलीन होते रहेंगे, जिंदगियां ऐसे ही बीत जाती है, उम्रें ऐसे ही बीत जाती हैं, हम परेशान होते रहते हैं। अगर जिंदगी को इस थर्ड एंगल से देखें कि ना हम टीम ए हैं ना बी हैं, बस हम तो खेल हैं, हम तो चेस बोर्ड हैं, जिंदगी के अलग मायने समझ में आते हैं, और ऐसे मायने समझ में आते हैं कि दुख विलीन हो जाते हैं, चिंताएं विलीन हो जाती है, मानसिक व्याधियां विलीन हो जाती है। इस टिप्स के बारे में और अधिक गहरा राज आप जानना चाहते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। साइको गुरु टीम आज हर कदम पर मानसिक परेशानियां जिनको है उनकी मदद करती है। आप भी बात कर सकते हैं और अपने जीवन को थर्ड एंगल से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इन वीडियोस को इतने प्रेम पूर्वक और स्नेह से देखते हैं, इसके लिए साइको गुरु आपका हमेशा ऋणी है।